सीसी 2021 में चुटकियों में कैसे बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं और बैकग्राउंड चेंज करते हैं देखेंगे आज हम इस वीडियो में, और सारा प्रोसेस समझेंगे किस प्रकार से और कहां कहां कौन से ऑप्शन पर क्लिक करने से चुटकियों में बैकग्राउंड को रिमूव किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप फोटोशॉप सीसी 2021 का सेटअप डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होगी तो अगला वीडियो हम इसी के ऊपर बनाएंगे जिससे आपको सीसी 2021 आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सन डिज़ाइन स्टूडियो। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर किस प्रकार से हम चुटकियों में फोटो की कटिंग कर सकते हैं और बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं और दूसरा बैकग्राउंड उसमें डाल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बात की है कि चुटकियों में फ़ोटो की कटिंग कैसे कर सकते हैं, तो चुटकियों में फ़ोटो की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमको जो ओपन करना रहता है वो है फोटोशॉप सीसी 2021। फोटोशॉप सीसी 2021 का अगर आपको सेटअप चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर 100 कमेंट हुई तो मैं आपको फोटोशॉप 2021 का सॉफ्टवेयर फ्री अवेलेबल कराऊंगा। फोटोशॉप सीसी 2021 का इंटरफेस ओपन हो चुका है, इस तरह से ये दिखता है। अब हाँ, यहाँ पर हमें क्या करना रहता है कि हमें फ़ोटो ओपन करना रहता है, तो हम ओपन पर क्लिक करेंगे। हमें कौन सा फ़ोटो लेना है वो हम यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे कि हम मैंने ये फ़ोटो ले लिया है, देख रहे हैं आप देख रहे हैं इसका बैकग्राउंड आउटडोर घर के अंदर खींचा हुआ है, पीछे कोई प्लेन कलर नहीं है। तो हम इसकी आसानी से कटिंग कैसे कर सकते हैं वो भी चुटकियों में देखते हैं। सबसे पहले जो हमें करना, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कटिंग कैसे करते हैं। तो आप देखिए, अभी एक चुटकियों में कटिंग हो जाएगी दोस्तों इसकी। तो दोस्तों देखो, ये एक मिनट से भी कम समय में फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया गया है। तो ये कैसे हुआ, कैसे किया, ये हम समझते हैं। तो इस फोटो को मैं हटा देता हूं या फिर मैं एक दूसरा फोटो ओपन कर लेता हूं। एक मिनट से भी कम समय में मैंने फोटो की कटिंग की है दोस्तों आप ही के सामने। मैं अभी ये एक फोटो ओपन कर लेता हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये फोटो, ये वाला है। हाँ, इसमें अभी जेपीजी है और इसको ओपन क्या करते हैं, ओपन करते हैं, सारी लेयर हटी हुई है। तो हमें सबसे पहले यहाँ एक लेयर, हमें सबसे पहले F7 से लेयर पैनल एक्टिव करना है, और एक्टिव करने के बाद इस पर ये लॉक लगा हुआ है, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये अपनी लेयर बन जाती है और लॉक खुल जाता है इसका। उसके बाद हमें दोस्तों क्या करना रहता है, यहाँ मेरे इसमें यहाँ एक प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी का ऑप्शन आपके इसमें नहीं आता है, अभी नहीं आ रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, विंडो के अंदर जाना है और प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और प्रॉपर्टी यहाँ ऐड हो जाएगी। जब आप इसे यहाँ ऐड कर लोगे तो यहाँ ट्रांसफॉर्म का कुछ ऑप्शन आएगा जिसमें आप इसकी साइज वाइज कुछ देख सकते हो। तो ये यहाँ पे कुछ देखना नहीं है अपन को और सीधा नीचे आ जाना है। तो नीचे अपन को मिलेगा क्विक एक्शन, क्विक एक्शन के यहाँ मिलेगा अपन को रिमूव बैकग्राउंड। अब जैसे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा समय लेगा ये आपके सिस्टम की स्पीड के हिसाब से, और आपका फोटो की कटिंग हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ आप देख रहे हो कि फोटो की कटिंग में कुछ यहाँ से भी ये गायब हो चुके हैं। इसके लिए आपको वापस लेयर पे आना है और इस मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और कीबोर्ड पर बी प्रेस करना है और इसको माउस की सहायता से इस प्रकार चलाना है दोस्तों। तो यहाँ आपको जो कटिंग मिल रही है वो मास्क के साथ मिल रही है, सबसे बड़ी बात ये है। अब दोस्तों, इसके पीछे अगर आपको कोई बैकग्राउंड रिप्लेस करना है तो बहुत ही आसान है, आप उनको करना कुछ नहीं है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और ग्रेडियंट करते हैं। ग्रेडियंट में बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे कि अभी हमने ये कलर ले लिया। तो अभी आपको इस लेयर को माउस की सहायता से ऊपर की ओर डालना है। ये देखो, आपका सिंगल क्लिक में फोटो की कटिंग हो गई है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको किस प्रकार से कटिंग किया है। तो ये आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा अगर हमें कोई और बैकग्राउंड डालना है तो यहाँ से हमें
फाइल के मेनू के अंदर जाके ओपन करना है, और यहाँ से अगर कोई अदर बैकग्राउंड लेना है तो वो भी ले सकते हैं अपन। दोस्तों मैं बैकग्राउंड को अभी आप ही के सामने किसी बैकग्राउंड, अगर हमें गार्डन बैकग्राउंड लगाना है तो जैसा कि अभी ये एक बैकग्राउंड है हमारे पास, इसे अपन डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये कहाँ ओपन होता है, तो ये हमें यहाँ मिल गया है, इसको फोटोशॉप के अंदर यहाँ डाला हमने। सिंपली हमारा ये बैकग्राउंड है, हमने इस बैकग्राउंड को यहाँ से लेकर यहाँ से पकड़कर इस वाली इमेज पे लाके छोड़ देना है और इसको हटा देना है, और जो हमारा बैकग्राउंड है इसको अपने लेयर के इसके पीछे लाके छोड़ देना है, और यह माउस की सहायता से इसकी साइज को एडजस्ट कर लेना है दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान है। अब आप देख रहे होंगे कि ये इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है दोस्तों, वो भी वन क्लिक में। अब मैं यहाँ दूसरा कोई फोटो ओपन करता हूँ, मैं आप ही के सामने अभी ये वाला फोटो लेता हूँ, और इसके ऊपर भी वही प्रोसेस हम करते हैं वापस से। यहाँ से ये लेयर को ओपन करना है और प्रॉपर्टी के अंदर जाना है। प्रॉपर्टी के अंदर जाने के बाद यहाँ रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद कुछ टाइम वेट करना है कि आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अगर आपको कुछ 19-20 लगे तो आप इसको लेयर पे जाके बी प्रेस करके यहाँ वापस से बैकग्राउंड को ला सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड में कलर प्लेन हुआ तो एक्यूरेट कटिंग करेगा ये, अगर उन कुछ कलर अलग हुए तो थोड़ी बहुत कटिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आपका काम बहुत जल्दी हो सकता है इसके अंदर। तो थैंक यू दोस्तों, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।